ललितपुर जिले में रहने वाली एक सीधी सादी और भोली भाली औरत कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपनी भक्ति का यही गुण अपने बेटे में भी डाल दिया था। वह तो दिन रात कृष्ण की भक्ति करती ही थी, उसने अपने बेटे को भी कृष्ण मंदिर में सेवा करने के लिए लगा दिया था। उसका बेटा भी अब जवान हो गया था, लेकिन वह औरत बूढ़ी होने के बाद भी दिन रात कृष्ण को याद करती थी। कोई भी काम बिना कृष्ण का नाम लिए नहीं करती थी, बिना कृष्ण को भोग लगाए खुद कभी नहीं खाती थी। उसने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया था। एक बार वह अपनी छत पर सो रही थी। सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से जब वह जागी और नीचे उतरने लगी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वहाँ से वह सीधे धड़ाम नीचे गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए। अब वह चलने फिरने में सक्षम ना रही। काफ़ी दवा कराने के बाद भी उसके पैरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ती उम्र की वजह से उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेंगकर जाना पड़ता था। जहाँ पहले वह रोज मंदिर जाकर कृष्ण की पूजा करती थी, अब उसे 4 कदम भी दूरी तय करना मुश्किल हो गया था। कई दिन ऐसे ही बेबसी में बीत गए। एक दिन उस औरत को कृष्ण पर बहुत गुस्सा आ गया। वह सोच रही थी, जिस कृष्ण के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खपा दी, उसने मुझे चलने के लायक भी नहीं छोड़ा। अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला? अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी वही करूँगी जो कृष्ण ने मेरे साथ किया। अगर मैं नहीं चल सकती तो कृष्ण को भी चलने नहीं दूंगी। औरत ने कृष्ण के पैर तोड़ने की ठान ली थी, क्योंकि उसका बेटा खुद ही मंदिर की देखभाल करता था, इसलिए मंदिर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले औरत ने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी निकाली और वो किसी तरह से बड़ी मेहनत से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची। मंदिर का दरवाजा खोला और गर्भगृह में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ घर पर बेटा अपने समय के हिसाब से जागा तो देखा उसकी माँ घर पर नहीं थी। फिर उसने मंदिर जाने के लिए चाबी ढूंढनी शुरू करी, तब चाबी नहीं मिली तो वह दौड़कर मंदिर तक पहुंचा। उसे लगा कि जरूर किसी चोर ने वह चाबी चुरा ली है। अब वह कृष्ण जी की मूर्ति पर लगे हुए सोने चांदी के जेवर चुरा रहा होगा। वह जोर जोर से गर्भगृह का दरवाजा बहुत खटखटाने लगा, परंतु खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर में ही वहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब गर्भगृह के अंदर बैठी बुढ़िया ने जैसे ही भगवान से गुस्सा होकर सिल बट्टे से उनकी मूर्ति के पैर तोड़ने चाहे, वैसे ही भगवान वहाँ खुद प्रकट हो गए और उसे रोकते हुए कहा कि आप मेरे पैर मत तोड़िए, इससे अच्छा है कि मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने बुढ़िया के सिर पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान कब और कैसे किस पर प्रसन्न होते हैं कोई नहीं बता सकता। लोगों को लगेगा कि इस औरत को भगवान ने भय से दर्शन दिए, लेकिन इसमें भी औरत के जीवन भर का समर्पण और भक्ति छिपी हुई थी, इसीलिए भगवान ने उसे दर्शन दिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।